दिल्ली एनसीआर में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में तमाम दिल्ली के जो ऑटो और टैक्सी यूनियन जो है वो हड़ताल पर है, जिसका असर दिल्ली के कई इलाकों में साफ तौर पर सुबह सुबह नजर आया। इस वक्त हम मौजूद हैं आनंद विहार इलाके में। आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह जो लोग दूसरे राज्यों से दिल्ली के अंदर आए हैं, उनको किस तरीके से सड़कों पर ही इंतजार करना पड़ रहा है। घंटों घंटों ऑटो जो है पूरी तरह से बंद है, ओला उबर पूरी तरह से बंद है। दूसरी तरफ तमाम जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं वो विरोध करते हुए साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जितने भी ऑटो टैक्सी यूनियन वाले हैं आप देख सकते हैं, और सड़कों पर यहाँ पर पहुँच गए हैं, विरोध यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम जो इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है उससे कहीं ना कहीं ये हताश है, उनके ऊपर काफी चोट जो है वो पड़ रही है, जिसको लेकर के देखिए किस तरीके से अगर ऑटो वाला कोई ऑटो चला रहा है उसके साथ किस तरीके से रोका जा रहा है, उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आप अपना ऑटो जो है वो ना लीजिए। देखिए किस तरीके से उनके संग ऑटो वाले के साथ यहाँ पर बदसलूकी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। ये देखिए तमाम ऑटो वालों को यहाँ पर फिलहाल रोका जा रहा है कि इस तरीके से चीज ना करें यहाँ पर के जरिए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जितने भी ऑटो सुबह सुबह जो चल रहे थे उनके साथ यहाँ पर ऑटो वाले और सवारियों को जो है उतार रहे हैं, और यूनियन जो है उस तरीके से यहाँ पर विरोध करती हुई नजर आ रही है। सवारियाँ जो है अंदर बैठी हुई है उनके संग, देखिए किस तरीके से डर का माहौल जो है वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तोड़ फोड़ यहाँ पर ऑटो यूनियन की तरफ से लगातार की जा रही है। देखिए तमाम ऑटो यूनियन जो है वो ऑटो वालों को यहाँ पर रोकती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से सुबह का वक्त आनंद विहार का ये इलाका, ये देखिए किस तरीके के हालात जो है वो यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में तमाम ऑटो यूनियन है जो ऑटो वाले सड़कों पर सवारियां लेकर के निकल रहे हैं उनके साथ इस तरीके से बदसलूकी जो है वो यूनियन की तरफ से की जा रही है। पब्लिक जो है वो यहाँ पर परेशान है, और आप देख सकते हैं तस्वीरें, कोशिश करते हैं आगे की तरफ आ जाए। देखिए अगर कोई गाड़ी इस तरीके से आ रही है उसको यहाँ पर रोकने की कोशिश यूनियन की तरफ से यहाँ पर की जा रही है लगातार। वो देखिए अगर ई रिक्शा भी अगर जा रही है, वो देखिए ई रिक्शा अगर जा रही है तो उसको भी रोका जा रहा है। देखिए किस तरीके से जो प्राइवेट व्हीकल है, छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, उस पर भी अगर सवारी बन रही है तो उसको भी यहाँ पर रोका जा रहा है और सीधे तौर पर मना किया जा रहा है। उनका नुकसान जो है वो यहाँ पर करते हुए यहाँ पर लोग जो है वो आपको नजर आएंगे। देखिए ऑटो में किस तरीके तोड़ फोड़ जो है वो यहाँ पर की जा रही है, कोहराम जो है वो आनंद विहार पर यहाँ पर होता हुआ सीधे तौर पर नज़र आ रहा है, और पुलिस प्रशासन भी जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है लगातार किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए। लेकिन यहाँ पर विरोध प्रदर्शनकारी जो है वो प्रदर्शन करते हुए साफ तौर पर, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो यूनियन है वो किस तरीके से यहाँ पर तोड़ फोड़ और उद्घाटन जो है वो करते नज़र आ रही है। क्या आप क्यों आपकी गाड़ी है क्यों तोड़ा, किसने तोड़ा? मुझे पता नहीं था, ऑटो वाले ने तोड़ा है भाई। अब क्या हड़ताल था बता रहे हैं। अच्छा मुझे पता नहीं था। अच्छा क्या कहा उन्होंने? कह रहा हड़ताल है तुझे पता नहीं है, वो पकड़ के नोट दिया, पूरा गाड़ी तोड़ दिया। ये पूरी मेहनत जो है वो यहाँ पर तोड़ फोड़ जो है करी, उस तरफ पब्लिक जो है वो किस तरीके से परेशान है। तमाम लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। ये बताइए अंकल जी कहाँ से आप आ रहे थे? हाँ कहाँ से आप आ रहे थे? ये पटवटगंज इंडस्ट्रियल एरिया। तो ऑटो में आ रहे थे? हाँ। क्या हुआ? इसलिए रोक लिया। चलिए देखिए सवारी भी एक तरीके से परेशान होती हुई नजर आ रही है।